हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। सेकंड व्लॉग शुरू हो चुका है जी। हाँ, मेरा सेकंड पार्ट शुरू हो गया था वीडियो का। फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग बोलते हो दीदी ज़्यादा लंबी वीडियो मत डाला करो, हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा हाँ सही है, फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं। बहुत सारे कमेंट मुझे इस तरह के आ रहे थे कि आप खाना खाते हुए बिल्कुल भी वीडियो में मत आया करो। तो ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, पर मैं इस चीज़ को है ना इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। मैं जानती हूँ मेरा थोड़ा खाना खाने का तरीका अलग है, आप लोगों को पसंद नहीं आता। ध्यान रखूँगी या फिर आऊँगी नहीं, और बुरी लगी आप लोगों को, बुरा लगता है तो ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और कोई चीज़ मतलब कुछ आपको बुरी लगती है तो मुझे बता सकते हो। और मेरा है ना मुँह आ रखा है तो मुझसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर भैया और अवनी और कायरो कर रहे थे पूजा जी। हाँ, कायरो बाबू भी बैठे हुए थे, वो चला गया था, फिर उठ कर ये तीनों लोग ही कर रहे थे। और यहाँ पाखी तैयार हो चुकी है और अवनी भी तैयार हो गया है। अवनी ने ये वाले कपड़े पहने हैं, पहले कायरो के मैंने चेंज करने हैं, अगर वो करा लेगा तभी तो वो दंगा तारने में लगा रहता है, बस अपनी धुन में रहता है। मैं सोची थी मैं भी चेंज करूँगी पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, मतलब खुद के बस सुबह जब नहाई थी तभी बालों में कंघी वगैरह की थी, दोबारा कंघी करने का टाइम नहीं मिला। काम इतना ज़्यादा हो रहा था, खाना उना बनाया, फिर सब लोगों ने खाना उना खाया, फिर केक वगैरह कटे का, और अभी सब्जी बन गई है, आटा बनाना है, तो कुछ बर्तन हो रहे हैं, ये साफ़ करके इसमें रखती हूँ फिर रैक में लगाऊंगी। तो बस मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, मेरा टाइम ही नहीं था इतना मैं कपड़े चेंज कर लूँ, बस मन था मेरा, फिर मैंने किए ही नहीं, बाल बुल वगैरह भी नहीं भाए गए, टाइम ही नहीं लगा। वही पता मैं काम उम में अकेली काम में लग रही थी ना, और पता ही है आप लोगों को भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से अकेले ही देखना पड़ रहा था सारा काम। हम घर घर के ही थे पर फिर भी भाई अगर कोई चीज़ बनाते करते हैं तो थोड़ा सा काम तो फैलता ही है। एक दो कमेंट आ रहा था कि आपने ना सब्जी में तेल कम डाला है। हाँ, मैंने कम ही डाला था, ज़्यादा ऑयल मतलब तली हुई मतलब नुकसान देती है बोलते हो आप लोग ही, पर हाँ सूखी सब्जी में तेल ज़्यादा चलता है, ये बात भी सही है, पर मैंने बहुत ही कम डाल रखा था, ज़्यादा ही कम हो गया, थोड़ा सा आगे से ध्यान रखूँगी, थोड़ा ज़्यादा चलता है। और ऑयली मतलब फिर ये लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी भी मत बनाना, अंकल जी भी नहीं खाते ना, उनको भी बिल्कुल मना है, तो कम ही डाल लिया। तेल भी क्या रिफाइंड में छोकी थी। और यहाँ पर ये ना केक देखिए मंटू का, तो यहाँ पर आप लोग केक देख सकते हो, केक बहुत प्यारा लग रहा था और इस पर इस तरह का गुड्डा बना हुआ था, सच में बहुत प्यारा केक लग रहा था। बस रेडी था केक, बस काटने का वेट कर रहे थे, तो अंकल जी के आने का वेट कर रहे थे कि बस जैसे ही अंकल जी आ जाए और काट देंगे केक। तो अंकल जी जो है वो नहीं थे यहाँ पर, और अभी अंकल जी को भी बुला कर ले आइए, वो नहीं, अंकल जी भी आ चुके हैं। तो भैया भाभी बोल रहे थे कि अब की बार केक अंकल जी कटवाएंगे, हम तो हर बार कटवाते हैं, कोई बात नहीं अब की बार अंकल जी के साथ। तो यहाँ मैं कायरो को लेके आगे पे चली गई थी, ये भी हाथ लगा लेगा और बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। बस हम लोगों ने घर घर को नहीं तो अभी मैं वापस पहुंच गई हूं अपने किचन में, और यहां पर जो है ना दही जो है ना इसको मैं थोड़ा सा फैट लेती हूं। दही लेकर आए थे भैया, 4-5 पैकेट दही के लेकर आए थे, तो वही मैंने इसमें डिता ली थी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया है और उसके बाद इसको मैं फैट रही हूँ। भाभी बोली थी कि वहीं पे रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको फैट लेना। आटा छान लिया, आटा बनाना है, दूध भी आ गया है, दूध भी पकाना है, सब्जी बनने लग रही है बस। और थोड़े से सफ़ेद रसगुल्ले मंगाए हैं, तो शायद मैं दिखा तो नहीं पाई वीडियो में, पर मंगाए थे मीठे के। तो
अभी यहाँ पर मैं ना आटा बना लेती हूँ, बस फटाफट से मैंने आटा बना कर तैयार करना है। और भैया अवनी कह रहे वो सब घूम रहे थे, तो अपने अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, भैया भाभी के लिए शायद कुछ लेकर जा रहे थे। और यहाँ मैं एक बार अपनी सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद दही में जो है ना मसाले ऐड करूँगी, और ज़्यादा नहीं, इसमें चाट मसाला, काला नमक और भाई थोड़ी सी मिर्च, और फिर इसमें लगा दूँगा मैं तड़का, मतलब जो है सरसों का तड़का लगाऊंगी, बहुत टेस्टी लगेगी फिर चाय। बस फटाफट से एक काम भी निपटा देते हैं और खाना फिर पूरी उतारने का काम रह जाएगा। थोड़ा सब्जी चेक कर रही थी मैं कि गल गई या नहीं गली अच्छे से, कहीं मतलब थोड़ी बहुत कम गली ना रह जाए। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, सच में मैं बहुत मेहनत लगा के बना रही हूँ। कुछ कमेंट यार थे कि कुछ दिन है ना आप अपनी भाभी के पास ही रह लो, आप सब चीज़ सीख जाओगी। देखिए आती तो सब चीज़ें पर टाइम नहीं है। बस यहाँ मैंने ये बार कितनी बार अपने ससुराल में बोल ली है कि आती सब चीज़ है पर सही तरीके से टाइम नहीं है, या चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। दो रीज़न है, दूसरा मेरा घर इस तरह का नहीं है, तीसरा मैं मानती हूँ चलो घर कैसा भी हो पर चीज़ें बनाने का तरीका, आप लोगों की बात से मैं सहमत हूँ, पर अगर मुझको फुल टाइम मिले ना तो मैं भी अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँ। बस थोड़ा सा यही दिक्कत चल रही है कि मैं अच्छे से ना तैयार नहीं हो पाती, अच्छे से चीज़ें दिखा नहीं पाती आप लोगों को। पर सब्जी बन चुकी है और मैं बना रही हूँ पूरी, तो पूरी पोने की मशीन है नहीं, भाभी बोली कि मैंने मम्मी को दे दी थी जब मम्मी घर गई थी, तो पूरी पोने की मशीन तो नहीं है, दे दी आपको चकले बेलन से ही बनानी पड़ेगी। अब मैंने ना कभी चकले बेलन से पूरी बनाई नहीं है, पर देखते हैं आज कोशिश करके जैसी भी बनेगी। फर्स्ट टाइम है जो मैं चकले बेलन से पूरी बना रही हूँ, बस फटाफट से पूरी बना लेते हैं। और सब्जी बन गई है, दही तैयार है, बस खाना रेडी हो जाएगा, फिर आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और केक जो है वो भी कट चुका है, फिर वे बोल रहे थे कि केक कटने के बाद ही रोटी बना लें, मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। और अभी बस फटाफट से पूरी उतारी, वो रिफाइंड में उतारी थी मैंने, रिफाइंड में ही मैंने सब्जी चौकी थी। और बता देती हूँ फिर कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बहुत गंदा बोलते हैं सच में, मैं उनको कुछ वैसे बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं कभी देती भी हूँ पर कुछ लोगों की है ना आदत है ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है, उनको तो बोलना ही बोलना है, तो उनके मुद्दे पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और ये पहली पूरी है, ये गाय को जाएगी, मैंने बोला था ना मुझ पर बनती नहीं है पर कोशिश करूँगी। और यहाँ मैंने बीच में ना कढ़ाई रोक पूरी उतार ली है, मैंने कढ़ाई रोक दी कह रही हूँ, पूरी उतार ली। और ये सब्जी जो है ना मैं सारी है ना रिता के रख दूँगी इसमें, हाँ जी, बाकी की बची हुई सब्जी सारी इसमें डाल के रख रही हूँ मैं। सब लोगों ने खाना खा लिया है, बस मैं ही रह रही हूँ, मैं अपने खाने की प्लेट लगा लूँगी अभी। तो भैया बोला था कि भाभी बोली पहले खाना खा लो बाद में कर लेना बर्तन उर्तन, मैंने कहा थोड़े से बर्तन साफ करके और तब खा लूँगी, ये बोला नहीं पहले खाना खा लो, मैंने कहा चलो ऐसा ही कर लेते हैं। और ये जो क्या नाम है सब्जी है ये प्लेट में डाल के मैं सॉरी कटोरे में डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कल खाने में काम आ जाएगी ये। और काफ़ी सारी सब्जी बनाई थी ना, ऐसे वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, कल दोपहर के खाने में यूज कर लेंगे हम इसको, तो अभी रख देती हूँ मैं इसको फ्रिज में। जी हाँ, मैंने अपने खाने की प्लेट जो है ना अपने खाने की प्लेट जो है वो मैंने लगा ली है, दही है और ये देखिए मैं चलो दिख गए आप लोगों को, दे दे क्या ले आए हो, चलो दिख गए आप लोगों को सफ़ेद रसगुल्ले
और यह मट्ठा और सब्जी और ये दो पूरी, मतलब मैं पूरी उतारते उतारते ये मान लीजिए कि मेरा मन जो है भर सी गया, देखते ही भर गया। खाने की तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है, देखते देखते ही छक गई। फिर पूरी बना ली, फिर उसके बाद धोए मैंने कपड़े। भाभी बोली थी कि रहने दो मत धो, मैंने कहा नहीं सुबह भी धोने हैं फिर ज़्यादा काम हो जाता है, अभी धो लेती हूँ जरा सी देर लगेगी। और मैंने लगा ली मशीन। जी हाँ, मैं इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे आ रही है उचकी, कोई याद कर रहा है। बाय बाय।